नमस्कार दोस्तों, राम राम, गुड इवनिंग। आज हमारे साथ जानी मानी हस्ती, पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट, धार्मिक संदीप दियो जी हैं। संदीप दियो जी ने अपनी पत्रकारिता के करियर में बहुत सारी बीट्स की हैं। 4 साल वो दैनिक जागरण के क्राइम रिपोर्टर रहे थे। दैनिक जागरण, जैसे आप जानते हैं, एक टाइम पर दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर था, सबसे बड़े सर्कुलेशन के साथ। तो संदीप जी ने इतने साल पत्रकारिता की है, बड़ी किताबें लिखी हैं, पॉलिटिक्स जानते हैं, क्राइम जानते हैं। तो उनके साथ आज हम ये डिस्कस करेंगे कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है, क्या भारत लेबनान की तरह सिविल वॉर को बढ़ेगा कि नहीं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए। समाज को एक ऐसे भ्रम में डाला गया है, जैसे कि जो खासकर भारत की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अखबार को मैं अभी भी दोष रहित कहूंगा कुछ हद तक। और आज भी मैं इतना लंबा मैं मेरी पत्रकारिता के लाइफ में, मैं आज भी अखबार से ही न्यूज लेता हूँ, अखबार पढ़ ही भरोसा करता हूँ। न्यूज चैनल मैंने अपने जीवन से हटा दिया, अपने घर से हटा दिया है। मेरे घर में डिश टीवी नहीं है कि मैं न्यूज चैनल देखूं। कुछ ऐप हैं जिस पर मैं फिल्में देखता हूं, फिल्में देखने का मुझे बहुत शौक है तो मैं फिल्में देखता हूं, लेकिन न्यूज चैनल देखोगे मेरे जमाना हो चुका। इन न्यूज चैनलों ने जिस तरह से भारत की जनता का ब्रेन वॉश किया है, और पिछले 8-10 सालों में, मुझे तो 14 से पहले लगता था कि न्यूज चैनल इतना करप्ट है, और उस समय कुछ पत्रकार करप्ट होते थे, सारा का सारा चैनल करप्ट नहीं होता था, कुछ पत्रकार और कुछ चैनल जो वामपंथी विचारधारा के थे वो। लेकिन अब तो पूरा पूरा चैनल ही करप्ट हो रहा है, पूरा एडिटोरियल ही करप्ट हो रहा है। तो ऐसे में भारत की जनता को जो गपशप, हम लोगों का जो गपशप है, हम लोगों के जरिए जो जानना है, वो अगर जितना जल्दी जान जाए भारत की जनता उतनी अच्छी है, क्योंकि भारत एक बड़े विकट परिस्थिति में फंसा हुआ है। और भारत के नेता कभी भी भारत पर जो विकट परिस्थिति आएगी या आई है कभी, उसकी जवाबदेही वो नहीं लेते। बहुत कम नेता हैं जो जिन्होंने जवाबदेही ली है, ये जवाबदेही भी नहीं लेंगे और किसी भी दिन ये निकल लेंगे यहाँ से। आपको लगेगा कि ये कहाँ निकलेंगे, ये ऑलरेडी कह चुके हैं झोला उठाने की बातें, तो ये किसी भी दिन निकल लेंगे और भारत एक बड़े संकट में फंसेगा। भारत का जो पूरा परोस सिस्टम है हमारा, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। पहले सिर्फ हम एक पाकिस्तान था हमारा खराब पड़ोसी, उसी से जूझने में हमको आपको ध्यान है, आपको जनरल वीके सिंह ने कहा था हम 2.5 फ्रंट पे लड़ते हैं, एक पाकिस्तान, एक चाइना और आधा भारत के अंदर। लेकिन आज हम कितने फ्रंट पे लड़ रहे हैं, पाकिस्तान है ही, चाइना का फ्रंट ज्यादा ओपन हो गया, वो ज्यादा अंदर तक घुसाया है। हमारा बांग्लादेश है, बांग्लादेश में आके अमेरिका बैठ गया है। म्यांमार है, म्यांमार हमारे हमारे खिलाफ पूरा, आप देखिए, कुकी विद्रोह को पूरा बढ़ा रहा है। श्रीलंका, नीचे आप आ जाइए, श्रीलंका में आपको देखिए कि चाइना बैठ गया है। मालदीव चाइना बैठ गया है। नेपाल, इधर नेपाल में, इधर भूटान में। तो भारत का पड़ोस है किधर? अब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम पड़ोस नहीं बदल सकते, लेकिन पड़ोस में चाइना ने सत्ता बदल दिया, हमारे पड़ोस को पूरी तरह से बदल दिया चाइना ने। अटल बिहारी वाजपेयी की ये स्थिति को भी अगर देखें तो पड़ोस तो हम नहीं बदल पाए, पर पड़ोस के पूरे लीडरशिप को चाइना ने बदल दिया। तो भारत उधर से गिरा है। इंटरनल स्तर पे हिंदू आज सबसे ज्यादा खतरे में जी रहा है, इसको आप कोई अतिशयोक्ति कहे, लेकिन हिंदू आज जिस तरह से खतरे का सामना कर रहा है, वो भारत के इतिहास में, स्वतंत्रता के इतिहास में शायद ही कभी हिंदुओं ने इस स्थिति का सामना किया है। भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में पहली बार हिंदुओं के गले काटे गए सीरिया के स्टाइल में। भारत के पूरे स्वतंत्रता के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के 75 साल के इतिहास में, ये पहली बार हुए हैं। और ये नया प्रयोग शुरू हुआ, और जिसमें हिंदुओं को बिल्कुल जिसको वुल्फ अटैक, अकेले मलेच्छ कहीं भी किसी हिंदू को पकड़ के गला रेत दे रहा है, और ऐसे करीब 12 हिंदुओं के गले लगभग काटे गए हैं। ये पहली बार हुआ है। मैं हिंदुओं को ये दिखा देना चाहता हूं कि आप पहली बार क्या क्या झेल रहे हो। तो पहली बार आपके गले काटे गए हैं, और आप ये मत सोचना कि कन्हैयालाल का गला कटा है,
या आप ये मत सोचना कि हरिकेश विश्वकर्मा का गला कटा है, या आप ये मत सोचना कि उमेश कोले को गोली मारा खत्म किया गया, या आप ये मत सोचना कोई रिंकू शर्मा मार दिया गया। ये आपकी अगली अगली बारी है, क्योंकि आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, रोड पे सफर कर रहे हो, आप जहां भी हो, कौन आपको कब मार देगा पता नहीं। ये वुल्फ अटैक का ये खामियाजा, हर हिंदू को अलर्ट रहने की जरूरत है। तो ये पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमने देखा, स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमने एक और घटना पहली बार देखी, टारगेट किलिंग, यानी टारगेट करके कि आपका नाम हिंदू है, आपका आधार कार्ड देखकर कि आप हिंदू हैं, और फिर आपको गोली मार दी। ये भी भारत ने पहली बार देखा, और करीब ऐसे 25 से 26 हिंदुओं को टारगेट किलिंग में मारा गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू में आतंकवाद का एक नया दौर आया टारगेट किलिंग का, और ये वो दौर है कि कोई व्यक्ति रिवॉल्वर पहुंचा रहा है, किसी को पहुंचा, स्टूडेंट को पहुंचा दिया, स्टूडेंट ने कुछ नहीं, रेहड़ी पटरी हिंदू बेचारा रेहड़ी पटरी पे बैठ के कमा खा रहा है, उसको मार दिया, उसको पूरी तरह से मतलब उसको गोली मार के निकल गया। तो ये टारगेट किलिंग का जो है, ये कभी हमने बांग्लादेश में सुना था कि जब वहां के कैफे पे अटैक हुआ तो वहां देखा गया कि आपका आधार कार्ड में क्या नाम है, ये भारत के जम्मू कश्मीर में देखा गया और मीडिया ने नहीं बताया, लेकिन 25 से 26 हिंदू मार दिए गए टारगेट किलिंग। तो पहला तो जिब्बह हुआ स्वतंत्रता की, जिसको जिब्बह करना कहते हैं, दूसरा हुआ टारगेट किलिंग, तीसरा हुआ कि आप अपने पर्व त्योहार नहीं मना सकते। ये बात हिंदुओं को आप समझनी चाहिए, आपके पर्व त्योहार पे, आपकी शोभा यात्रा पे एकाएक पथराव शुरू हो गए, आपकी रामनवमी की झांकी पथराव। हम बचपन तो गणेश पूजा घर के अंदर करने वाले हिंदुओं के घर के अंदर जाके मारा गया, तोड़ा गया मूर्तियां। तो आपके त्योहार आपसे छिन रहे हैं, आप जहां जा रहे हैं उन पे पथराव हो रहे हैं, और जो रहा रही सही कसर है वो आपका सरकार पूरा कर रही। सरकार इसमें कैसे पार्टनर है, इस बात को समझिए कि आपके त्योहार पर जो पथराव के बाद आप बच रहे हो, वो सरकार आपको कानून बनाकर आपके आपके त्योहार से रोक रही है। अभी अभी दिल्ली में, दिल्ली पुलिस अमित शाह के अधीन है, गृहमंत्री के, कि इस दुर्गा पूजा में कह दिया कि पूरे दिल्ली में 144 लाखों हिंदू, मतलब कोई चार आदमी साथ खड़े नहीं हो सकते, तो आप त्योहार कैसे मनाओगे? आप तो दो बच्चे, दो पति पत्नी भी चार आदमी हो जाते हो, कैसे मनाओगे त्योहार? उसमें आम आदमी पार्टी ने विरोध किया, जिसको हम लोग हिंदू विरोधी कहते थे, उस पार्टी ने विरोध किया। दिल्ली में इस समय चार लोग जमा नहीं हो सकते, तो आम आदमी पार्टी ने विरोध किया, और विरोध किया तो सरकार को घुटने पे आना पड़ा। दिल्ली में मैं इतने लंबे समय तक, जैसा कि आपको अक्षय जी ने बताया, मैं पत्रकारिता में 2002 से हूं, जब मैं पत्रकारिता में हिंदुओं की पीड़ा के कारण आया था 2002 में, जब गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस पर मैं हमले हुए और हिंदुओं को 59 हिंदुओं को जलाया गया, उस पीड़ा के कारण मैं जर्नलिज्म में आया कि हिंदुओं की बात कोई नहीं कर रहा, और उस समय मुस्लिम जो दंगे में पीड़ित मारे गए थे उसको लेकर सारी मीडिया बोल रही थी। उस पीड़ा को लेकर मैं आया पत्रकारिता में कि हिंदुओं की बात तो होनी चाहिए, तो मैं 2002 से जर्नलिज्म में हूं। दिल्ली में कभी भी, और क्राइम रिपोर्टर रहा दैनिक जागरण में, तो क्राइम का तो हर पहलू रिपोर्ट करना, मुझे याद है दो बार छोटे छोटे हुए थे मामले, एक बार जामिया इलाके में थे, क्रिमिनल्स था, और इस तरह से कभी भी दिल्ली में दंगे नहीं हुए थे, हमने नहीं देखे। 84 के बाद दिल्ली ने कभी दंगे नहीं देखे, 84 के बाद, 84 के बाद, और दिल्ली ने वो दंगे देखे, मोदी और अमित शाह के राज में देखे, अमित शाह के गृहमंत्री बनने के बाद देखे, और एंटी हिंदू दंगा देखा, हिंदुओं के आंत तक निकाल दिया गया, ऐसा दंगा देखा, हिंदुओं के लिए रहना मुश्किल। मैं खुद दंगे में फंस गया था, मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ, कैसे हम निकले हम जानते हैं। हमने कभी हिंदू इतना, क्राइम रिपोर्टर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्राइम रिपोर्ट करनी पड़ती है, तभी आप अखबार में पढ़ते हो, टीवी में देखते हो, हिंदुओं की शोभा यात्रा पर कभी मैंने पथराव नहीं देखे, कभी पथराव हुआ हो रामनवमी, महावीर जयंती, इन सब की झांकी पे वो हमने देखे। आज दिल्ली में हम शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, हम मूर्ति विसर्जन करने नहीं जा सकते, स्थिति इतनी भयावह कर दी गई।
वहां पर हिंदू में पड़ोसी पड़ोसी का गला काटता है ये बड़ी घटनाएं कम आती थी। रिंकू एक मंगोलपुरी का था, उसने जिस मलेच्छ परिवार को, पड़ोस के परिवार को, उसकी पत्नी को रक्तदान करके बचाया, उसने उसके पीठ में छुरा घोंपा। विकासपुरी में ना डॉक्टर नारंग क्रिकेट खेल रहे थे, तो डॉक्टर नारंग का क्रिकेट का बॉल बच्चे के साथ खेल रहे थे, वो एक मलेच्छ को लगा, उसने पकड़ के गोद दिया, मार दिया। तो दिल्ली में हमने ये कभी नहीं देखे थे। उसके बाद वोट देने के कारण आपको मारा गया हो, ये भी मुझे याद नहीं कि हम कभी रिपोर्टिंग में वोट देने के कारण 90 का दशक, लालू आदि का जो दशक था वहां तक था। बंगाल में 1 लाख हिंदुओं का पलायन सिर्फ वोट देने के कारण हुआ, भाजपा को वोट दिया तो हिंदू मारे गए, जाके आसाम में छुपे। 7,500 महिलाओं का यौन उत्पीड़न हुआ, ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। 75 जो आपको बता रहा हूं, ये सब पहली बार का रिकॉर्ड है। 7,000 से अधिक महिलाओं का यौन शोषण हुआ। एक महिला थी भाजपा से जुड़ी हुई, मतलब कार्यकर्ता, उस महिला के 7 बार उसके रेप हुए उसके साथ। और वो जब भाजपा कार्यालय गई, भाजपा के नेताओं से मदद मांगी, तो उसने कहा हम नहीं बचा सकते, जाओ। पुलिस में मामला दर्ज कराई और जिन लोगों ने रेप किया वो तृणमूल के कार्यकर्ता थे, उसने कहा बचाएंगे तो तुमको हम ही केस वापस लो। जिन्होंने रेप किया उन्हीं से मदद मांगनी पड़ी। ये इतिहास में स्वतंत्रता के बाद पहली बार हुई है। और वहां के जो राज्यपाल थे, जिनको संविधान ये अधिकार देता है, 355 के तहत अधिकार देता है, 356 में तो राष्ट्रपति शासन लगाना होता है, लेकिन 355 में यदि राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ गई है तो बिना राज्य सरकार को हटाए केंद्र अर्धसैनिक बलों की मदद से कानून व्यवस्था को बहाल कर सकता है। ये सिंपल सी बात है। वो राज्यपाल सुबह रोते रहे, और रोने का परिणाम हुआ कि मोदी जी ने उनको प्रमोट करके उपराष्ट्रपति बना दिया, जहां उन्होंने अपनी पूरी गरिमा खत्म कर दी। मोदी तो देवता है, नरेंद्र है, सुरेंद्र है, यही सब बकवास करते घूम रहे। तो बंगाल में हमने वो देखा, स्वतंत्रता के बाद वोट देने के कारण आपके गले कटे, मारे गए आप। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद कोई प्रदेश 1 साल तक कभी नहीं चलता रहा, मतलब ऊपर से आ रहे हैं आपको, दिल्ली से शुरू किया ऐसे हम आ रहे हैं। मणिपुर पिछले 1 साल से चल रहा है एंटी हिंदू दंगे। कुकियों ने चूड़ा चांदपुर जो जगह है जहां हिंदू मैत्री रहते थे, पूरा फुटबॉल का मैदान बना दिया, साफ कर दिया हिंदुओं को। 350-400 शरणार्थी शिविर बने हुए हैं। प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए मणिपुर, 1 साल से मणिपुर चल रहा है आज तक। और जो अलगाववादी कुकी हैं वो विधायक हैं भाजपा की तरफ से, पूरे हथियार चाइना के, म्यांमार के आ रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री भाजपा के, वो कह रहे हैं कि 1,000 घुसपैठियों ने 1,000 गांव बसा दिए, पर वो कुछ नहीं कर पा रहे। ये भी स्वतंत्रता के बाद पहली बार हुआ। 1 साल तक कोई प्रदेश जल रहा है और नीरो बांसुरी बजा रहा है, जो ये कहा गया रोम जलता रहा नीरो बांसुरी बजाता रहा, मणिपुर जलता रहा नरेंद्र मोदी बांसुरी बजाते रहे। 1 साल हो गया वो कभी मणिपुर नहीं गए। फिर आपको मध्य प्रदेश गुजरात ले लीजिए, भारत में इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं कभी गायब नहीं हुई, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। भाजपा के प्रदेशों से महिलाएं गायब हो रही है, 30,000 महिलाएं, 13,000 महिलाएं गायब हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मानव तस्करी हो रही है, मलेच्छ ले जा रहे हैं, बेच दे रहे हैं अरब में, क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। इतने बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता के बाद महिलाएं इतनी बड़े पैमाने पर गायब नहीं हुई, जो इस शासन तंत्र डबल इंजन के शासन तंत्र में हो रहा है बड़े पैमाने पर। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा हिंदू मंदिरों पर या सरकारी दफ्तरों पर वक्फ का कब्जा, ये भी भारत की में इसी शासन में हुआ। और मोदी के जो गृह मंत्री अमित शाह 19 में चुनाव से पहले कहते हैं, जब वो भाजपा के अध्यक्ष थे, कि कांग्रेस ने सिर्फ 1,64,000 वक्फ प्रॉपर्टी को डिजिटलाइज किया, हमने तो 5.5 लाख किया, वो दावा कर रहे हैं। और अभी जब हारे हैं, बहुमत से दूर रहे, तो वक्फ को अमेंडमेंट के नाम पे हिंदुओं को फिर से धोखा दे रहे हैं, जबकि वक्फ को खत्म करने की जरूरत है।
लेकिन उसको मजबूत बनाया मोदी सरकार ने, खुद घोषणा किया मिशन। और बाकी प्रॉपर्टी देखिए कि पहले 1-1.5 लाख प्रॉपर्टी थी, अब 8-9 लाख हो रही है, 9 लाख एकड़ हो रही है जमीन। तो वो भी हमने पहली बार देखी स्वतंत्र भारत के इतिहास में वक्फ की प्रॉपर्टी के रूप में। उसके बाद क्रिश्चियनों का सत्ता में सीधा हस्तक्षेप, ये हम पहली बार देख रहे हैं। कुकियों के आप देखिए कि मणिपुर को लेके पूरा यूरोपीय यूनियन, उनके संसद में बहस हुआ, अमेरिका प्रेशर डाल रहा है, और प्रधानमंत्री पोप के जाके गले मिल रहे हैं, उनको झुक रहे हैं, उनके सामने ऐसे झुक रहे हैं। डायरेक्ट हस्तक्षेप के कारण प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा पाए हैं। तो डायरेक्ट क्रिश्चियनिटी का हस्तक्षेप, ये भी 75 साल में ये पहली बार हमको देखने को मिल रहा है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर का नारा देकर मलेच्छों को इतना मजबूत किया गया जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं। सरकारी नौकरी से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर मुद्रा लोन तक, करीब 40% 35 से 40% 42% किसी केस में सरकारी संसाधनों पर मलेच्छों का कब्जा हो गया। यानी उनको और मजबूत बनाया जा रहा ताकि वो हिंदुओं को और मार सके, टारगेट किलिंग कर सके। तो उनको इतना मजबूत बनाया जा रहा है पूरी तरह से। सारी योजनाएं 300 योजनाएं चला रहे हैं, और उन 300 योजनाओं के जरिए मलेच्छ तृप्तिकरण। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये और कहा कि ये तो पसमंदाकरण है, एक नया थ्योरी दिया पसमंदाकरण। ये पसमंदे दबे कुचले कह के ये असल में मुस्लिम आरक्षण लाने की तैयारी, क्रिश्चियन आरक्षण लाने की तैयारी। और मणिपुर केस में यही हुआ कि हिंदू मैतई को आरक्षण देने के बाद जब कोर्ट ने कहा तो ये सरकार ये सब विफर पड़े, और जो क्रिश्चियन कुकी हैं वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। क्रिश्चियन और मुस्लिमों को आरक्षण मिले इसलिए इस सरकार ने जस्टिस बालकृष्णन आयोग बना दिया। तो पसबंदा के नाम पर ये मुस्लिम आरक्षण की तैयारी, और आरक्षण का ट्रैक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं को जो बांटा है वो ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए। मंडल कमीशन जनता पार्टी की सरकार बनाई 77-78 में, जिसमें जनसंघ की सरकार पार्टनर थी 90 सांसदों के साथ। बीपी सिंह की जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया जिसमें 85 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी पार्टनर थी, और प्रमोशन से लेकर आरक्षण और SC ST एक्ट को मजबूत करना नरेंद्र मोदी जब बहुमत में आए, और मुसलमानों को आरक्षण, ईसाइयों को आरक्षण, खुद खुलकर कह चुके हम गुजरात में 70 मुस्लिम जातियों को आरक्षण देते हैं, वो लाने की तैयारी। यानी इनको मजबूत बनाने की तैयारी, इनका पेट भरा रहेगा, इनके बच्चे IAS रहेंगे, इनका बच्चा जज रहेगा, तभी तो ये आपको काटेंगे, आपको खत्म करेंगे। वो पूरी तैयारी, वो साफ साफ दिख रहा है कि उसकी पूरी तैयारी चल रही है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि एक चीज में कमी आई पिछले सरकारों से, बम धमाके जो शहरों में होते थे वो कम हुए बम धमाके, लेकिन आतंकवादी हमले ज्यादा हुए। बम धमाके शहरों में कम हुए, आतंकवादी हमले ज्यादा हुए। और आतंकवादी हमलों में सबसे ज्यादा हमारे सैनिकों का बलिदान 75 साल में मोदी सरकार में ही हुआ। ये तीसरा टर्म आने से पहले 578 के आंकड़े थे, और उसके बाद तो 15-20 जवान और गुजर गए हैं जम्मू कश्मीर में। ये करीब 600 जवानों की किलिंग, भारतीय जवानों की, ये मोदी सरकार में हुआ। ये RTI से आपको पता चल जाएगा, RTI लगाकर देख लीजिए। तो सबसे अधिक सैनिकों का बलिदान मोदी सरकार में, सबसे अधिक आतंकवादी हमले मोदी सरकार में। पूरा पठानकोट का हमला, बालक आप ये पुलवामा का हमला आपको ध्यान ही होगा। जम्मू में मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल के बाद लगातार जम्मू में इतने हमले हुए, तो आतंकवादी हमले बहुत ज्यादा हुए बॉर्डर एरिया में। बम धमाके कम हुए हैं ये आप जरूर कह सकते हैं। जो इस्लामिक आतंकवादी हैं उनके मारे जाने की संख्या सोनिया मनमोहन की सरकार की अपेक्षाकृत मोदी सरकार में कम हुई है। इस्लामिक आतंकवादियों के, नोट कर लिए आप सब, इस्लामिक आतंकवादियों के मारे जाने की, यानी कि उनकी जो संख्या मनमोहन सोनिया सरकार से कम है मोदी सरकार। मोदी सरकार में गिरफ्तारी हुई है ज्यादा,
और इस्लामिक आतंकवादी कम मारे गए, गिरफ्तारी ज्यादा हुई, ये भी आंकड़े आपको मैं बताऊं। उसके बाद ये सब आरटीआई से है, आरटीआई में अगर आप अजय बोस ने कुछ आरटीआई लगाए हैं वहां से आपको मिल जाएंगे, और ज्यादातर आरटीआई के आंकड़े हैं वो हमारे, अगर आपके दर्शक कंटेंट फॉर चेंज के तुष्टिकरण वाले सेक्शन में जाएं तो सारे हमने वो आरटीआई आदि लगा दिए। अच्छा, जो दर्शक ये कंटेंट फॉर चेंज ये आईएसडी पे है, इंडिया स्पीक्स डीली के वेबसाइट पे है, ये आप जरूर देखिए, क्योंकि इसमें इनकी जो सारा जर्नलिज्म है संदीप जी का और इनके सहयोगियों का, आरटीआई का, वो सब एक जगह इन्होंने कुलेट करके अलग अलग इश्यूज पे रखा हुआ है। तो पहले टेलीग्राम पे पूरा एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, और वेबसाइट पे भी तो हम अपने डालते ही हैं indiaspeakdaily.com पे, और टेलीग्राम में आप लोग सर्च कीजिएगा C4C कंटेंट फॉर चेंज, वो आपको पूरा बना हुआ है बकायदा, और उसमें सारे दस्तावेज भी लगाए गए, सब कुछ दस्तावेज डाले गए हैं, और मैं रोज उसमें 1 से 1.5 घंटा रोज लगाता हूँ सारे डालने के लिए, तो लोगों को आपको मिलेगा। संदीप जी, इस पे मेरा एक और प्रश्न है, मुझे पता नहीं कि आपने नोट किया है कि नहीं, पर मैंने नोट किया है, जयपुर डायलॉग्स पर एक बहुत अच्छा डेटाबेस होता था रल्स, रैंडम अनसीजिंग लोकलाइज्ड रैंडम वायलेंस का, तो वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज जहां भी हिंदुओं को मारा गया, और ये सिर्फ मर्डर के केसेस थे, ये रेप के केसेस नहीं थे, उन्होंने 2014 से पूरी डिटेल्स दी हुई, तो मैंने देखा कि वो डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है। अक्षय जी क्या आवाज कट रही हो, अब मैं समझ गया, जयपुर डायलॉग पर ये डाटा होता था रेंडमली जो हिंदू मारे गए, अखबार में जो क्राइम की घटना रिपोर्ट होती है वो डाटा डालते जा रहे थे, लेकिन एक बार अक्षय जी ने उसको दिखाया, इंडिया स्पीक्स डेली पर ही दिखाया, और उसके बाद से जयपुर डायलॉग ने उस डाटा को डाउन कर दिया कि ये नहीं दिखना चाहिए। तो रेंडमली जो हिंदू मारे गए हैं स्वतंत्रता के बाद, वो 800 से अधिक हिंदू मारे गए हैं, सोनिया मनमोहन की सरकार में बम धमाके में जितने हिंदू मरे उससे ज्यादा रेंडमली टारगेट किलिंग जीवा इस सब में हिंदू मारे गए हैं मोदी सरकार के। अगर हम देखें मुंबई धमाके, मुंबई 26/11, उसमें 150-200 हिंदू मरे, पर ऐसे ये 800 हिंदू मरे हैं, मतलब इस्लाम जो मलेच्छ हैं वो हिंदुओं की मारने की संख्या कम नहीं हुई है, बम धमाके कम दिख रहे हैं पर कम नहीं हुई। इस सरकार में पहली बार पठानकोट में आईएसआई को इन्वॉल्व किया गया, पाकिस्तान हमारे घर में आकर बैठ के जांच करके हमारा चला गया, तो हमारी सिक्योरिटी जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी वो एकदम से एंटी हिंदू, उसका पूरा जो चरित्र है वो दिख रहा है।